बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शेफ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लजीज अरवी गोश्त का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी डिश है। अरवी गोश्त का सालन बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं अरवियाँ 1 किलो, फ्रेश गोश्त 3 पाव। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, तेज़पात, लौंग, साबुत काली मिर्च और मेथी दाना, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च और लेमन, दही, प्याज, टमाटर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। ऑयल आप इसमें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग और काली मिर्च 1 पिंच के बराबर और मेथी दाना भी 1 पिंच के बराबर। इन मसालों को मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मसाले इसमें फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लेना है। जब तक प्याज गोल्डन होता है, साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन और प्याज जो है तो ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप चाहें तो इसको कढ़ाई या पतीले वगैरह में भी बना सकते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इससे टाइम भी कम लगेगा और जल्दी भी बन जाएगा। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, नमक आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इन स्पाइसेस को गोश्त के साथ शामिल कर लूँगी। गोश्त को हम स्पाइसेस के साथ भून लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है ताकि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं और मसाले गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून जाएँ। गोश्त को आप मसाले के साथ जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतने ही मज़े का आपका सालन बनेगा। गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट भून लिए। इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो इसमें अच्छे तरीके से पक चुके हैं, इसमें झाग आने लगी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही मैं इसमें लूँगी 1 कप। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। दही में हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, आप इनको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको गोश्त के साथ भून लेंगे। गोश्त को हमने टमाटर और दही में 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप छोटा गोश्त यूज़ कर रहे हैं, बड़ा यूज़ कर रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं या प्रेशर कुकर में, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, जिसमें ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। जब इस पर प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको 5 से 6 मिनट देंगे। प्रेशर आने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट दिए। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर लिए। जब तक इसका प्रेशर ख़त्म होता है उसके बाद हम इसको खोलेंगे।
कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं। गोश्त इसमें गल चुका है और मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अरवियाँ। अरवियों को आपने दरमियाने साइज़ में काट लेना है, जो नॉर्मल हैं उनको रहने देना है और जो बड़ी हैं उनको बीच में से कट लगा के आप आधा कर लें। अब अरवियों को हम गोश्त के साथ भून लेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि मसाले में वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। जब आप अरवियाँ काटते हैं और उसको धोते हैं तो अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है। जब भी आप अरवियाँ काट कर धोएँ तो उसके ऊपर आप बहुत सारा नमक डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे तरीके से आप आपस में रगड़ लें, तो इससे आपके हाथों पे एलर्जी भी नहीं होगी और अरवियाँ भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगी। अरवियों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आप उतना ही लें जितना आपको शोरबा पसंद है, क्योंकि कचालू तो आसानी से गल जाते हैं, लेकिन पानी आप उतना ही लेंगे जितना कि आप हांडी में शोरबा चाहते हैं। पानी डालने के बाद अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर लूँगी। प्रेशर कुकर को प्रेशर आने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट देंगे ताकि अरवियाँ इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। अरवियों को हमने 3 से 4 मिनट दिए थे और प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया, अब हम इसको खोल लेंगे। अरवियाँ इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, अब हम इसका वेट करेंगे ताकि तरी इस पर आ जाए। उससे पहले हम इस पर डालेंगे 1 पिंच गरम मसाला। लास्ट में मैं इस पर डालूंगी 1 अदद लेमन, 2 अदद साबुत हरी मिर्च और इसका हम 3 से 4 मिनट तक वेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। मज़ीद हमारी हेल्दी और स्पाइसी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक कर लें और Instagram पर हमें फॉलो करें। तो फिर मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।